तो आज हम भारत के संविधान में अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, भाग एक पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग एक है संघ एवं उसका क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। नाम से भाग का इसका नाम ही क्लियर है कि आज हम संघ मतलब केंद्र तथा मतलब भारत और उसके राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो भाग एक है संघ एवं उसका क्षेत्र। आज की क्लास में जैसा कि हम जानते हैं कि भाग एक में चार ही अनुच्छेद है, चार ही आर्टिकल है, उन आर्टिकल को हम लोग याद करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में इन चारों आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि हम चारों आर्टिकल को सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसको याद करेंगे और अगली क्लास में ये चारों आर्टिकल में से एक एक आर्टिकल को पकड़ेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में जब आप आओगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे, अरे हमें तो चार आर्टिकल कम से कम याद है, ऐसा समझ। तो आज की क्लास का मुख्य फोकस है भाग एक संघ एवं उसका क्षेत्र, पार्ट वन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसमें चार आर्टिकल है, आर्टिकल 1-4, अनुच्छेद 1-4, इसको हमको सिर्फ याद करना है। तो चलिए याद करते हैं। देखिए भारत का संविधान भाग एक है संघ एवं उसका क्षेत्र, संघ एवं उसका क्षेत्र। इसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे अनुच्छेद 1-4। हम यहां पर पढ़ेंगे पार्ट वन, वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द नेम ऑफ पार्ट वन इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इन विच पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 1-4। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस और मेमोराइज ऑल दोज फोर आर्टिकल्स ऑफ इंडिया ऑफ पार्ट वन। ध्यान दीजिएगा, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य सिर्फ है चार आर्टिकल को याद करना, कंठस्थ करना। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा लेकिन उतना भी समझ में नहीं आएगा, फिर इसको जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाग एक का पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद एक, ये पूरा कवर पूरा है बोर्ड, अगर हो रहा है तो मैं वहां से लिखूंगा, नहीं हो थोड़ा बहुत कट रहा है, चलेगा यहीं से लिखते हैं। यहां से अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक है इंडिया अर्थात भारत। अनुच्छेद एक में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भाग एक में चार अनुच्छेद है जिसमें से पहला अनुच्छेद, पहला आर्टिकल है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्य, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की क्या परिभाषा है। राज्य का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जिसका अपना स्वयं का क्षेत्रफल हो तथा भौगोलिक सीमा हो, राज्य कहलाता है। अर्थात भारत भी एक क्या है, राज्य है। भारत का अपना एक क्षेत्रफल है तथा भौगोलिक सीमा है। हमारे एक तरफ है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान पीओके को टच करता है ना, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है,
फिर है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है श्रीलंका, मालदीव। आया समझ? बड़ा समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि भारत का अपना एक क्षेत्रफल है तथा भौगोलिक सीमा है, तो भारत एक राज्य है। हालांकि भारत एक देश है और इसके अंतर्गत भी कई सारे राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये भी राज्य है। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का भी अपना एक क्षेत्रफल है 135,192 स्क्वायर किलोमीटर और उसकी भी अपनी भौगोलिक सीमा है। छत्तीसगढ़ टच करता है उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को, उड़ीसा को, झारखंड को, मतलब इसकी भी अपनी भौगोलिक सीमा है। तो छत्तीसगढ़ भी क्या कहलाएगा? राज्य। आया समझ? अब एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ होता है ये भी राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है? राज्य है, क्योंकि उसका भी अपना क्षेत्रफल होता है और भौगोलिक सीमा होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक राज्य है और जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर एक राज्य है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक राज्य है जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर ये सब ऐसे राज्य है जहां शासन एवं प्रशासन राज्य सरकार के अधीन होता है। आया? लेकिन केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसे राज्य है जहां का शासन और प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है। आया? ठीक। तो यहां पर नाम अनुच्छेद एक में क्या लिखा गया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल वन। आर्टिकल वन, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पर इसको आर्टिकल बोलते हैं ना, ए एन द आर्टिकल बोलते हैं ना, आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा? सुनो, यहां पर ना वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ध्यान मत दो। बोलने पर हिंदी भाषा के अनुसार स्वर आ रहा है कि व्यंजन, तो ध्यान दीजिएगा। एक काम कीजिए, इंग्लिश में लिखा है जरूर लेकिन आप इंग्लिश में ध्यान ही मत दो, आप इसको हिंदी में लिखो। किसमें लिखो? हिंदी में। तो यहां य आया, क्या आया? य। तो जब भी आप उसमें ना इंग्लिश में जाओ ही मत। आज आर्टिकल अभी दो मिनट में खत्म कर रहा हूं, मेंस में आता है ये और व्यापम में भी आता है ना, तो मेंस में आएगा तो दो नंबर मिल जाएगा है? और व्यापम में आएगा तो एक नंबर मिल जाएगा। देखो एक टॉपिक खत्म। कोई भी यहां पर शब्द हो, कैसा भी नाउन हो, उसको हिंदी में लिख लो और हिंदी में उसका पहला उस शब्द का पहला अक्षर का हिंदी का व्यंजन हो तो ए लिख दो, ठीक है? हिंदी का स्वर हो तो एन लिख दो। जैसे कि इसमें आ गया ना अनार, जैसे कि अपन यूनिवर्सिटी भी हो जाएगा, यूनियन भी हो जाएगा, यूनिफॉर्म भी यही हो जाएगा। एक एन का मैं खोज रहा हूं, एन के लिए एन का एग्जांपल ले लेते हैं, अम्ब्रेला। ये देखो एक अम्ब्रेला, तो यू का यू ही हुआ, कोई खास बात नहीं हुआ। ऑनेस्ट ले, ये सबसे बचपन का याद दिलाती है। देखो एच लिखे लेकिन ऑनेस्ट पढ़ रहे, हॉनेस्ट पढ़ते कि ऑनेस्ट पढ़ते? ऑनेस्ट। तो कभी भी हिंदी में लिख लो, इसमें लिख लो हिंदी में लिख लो, हिंदी का क्या आ गया? स्वर, तो एन आएगा। आया? ज्यादा नियम नहीं पढ़ना है, ज्यादा नियम नहीं पढ़ना। अब बोलोगे द कहाँ आएगा? एस द के लिए भी देखना कई सारे नियम पढ़ाया जाता है, अरे उतना नियम नहीं पढ़ना है, एक बार में जाना। ऐसा कोई भी सामान
जो हमारे लिए हमारी जानकारी में है हम उसको जानते हैं। ऐसा कोई भी सामान जो हम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसके लिए द लगा देंगे। आर्टिकल भरो, भरो आर्टिकल। A pen is kept on the table. A pen is kept on the table. The pen is awesome. The pen is awesome. देखो, जब यहाँ पेन की बात की जा रही है कि भैया एक पेन टेबल पर रखा है, मतलब हम पेन को जानते हैं। अभी देखा ही चुनी तो कहाँ जानेंगे यार, भैया। तो इसके लिए A या N लगाएंगे। क्या लगाएंगे? A या N। अब ए या एन लगेगा तो आपके दिमाग में तो है भाई नियम के अनुसार क्या है, पेन हिंदी का पॉ, क्या लगा दोगे? ए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसको बताया जा रहा है कि जा टेबल के ऊपर से क्या उठा ले, पेन उठा ले, इसका मतलब वो टेबल को जानता है। अब टेबल को भी नहीं जानेगा तो मेरे को ये बताने का कोई मतलब नहीं है, मतलब टेबल को वो तो टेबल में ए एन मत लगाओ, क्या लगेगा? द। कायदे से टेबल के तो आता टक ले ए लगाते, लेकिन चूंकि हम टेबल को जानते हैं तो ए ना लगा के क्या लगाएंगे, और टेबल को नहीं जानते तो क्या लगाते? आया। अब चूंकि ये लाइन से हम पेन को जान चुके हैं तो यहाँ क्या लगा दे? आया। तो हमारा क्या खत्म रे? आर्टिकल। मत पूछना फिर आर्टिकल का जीवन में। चलिए, तो यहां पर है आर्टिकल वन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका सिंपल सा अर्थ है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसका संघ क्या है? इंडिया या भारत। भारत के दो औपचारिक नाम हैं, एक है इंडिया या भारत। ऐसा समझ, जैसे मान लो विदेशों में कोई, अब ब्रिटिश काल में हम रहे हैं बहुत समय तक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडस से भारत का नाम क्या पड़ गया? इंडिया। और पहले अरबी लोग इसको कहते थे हिंदुस्तान, अरबी लोग क्या बोले? हिंदुस्तान। आया। अब भरत मुनि के से हमारा भारत से क्या आया? भरत मुनि से क्या आया? भारत। तो यहां पर कई सारे नाम है लेकिन औपचारिक नाम हमारे संविधान में भारत का नाम क्या रखा गया है? इंडिया या भारत। राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। यूनियन के दो मतलब होते हैं, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। फेडरेशन जैसे कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर 50 राज्य हैं, उन राज्यों को यह अधिकार है अपने आप को कि अपने आप को कभी भी वो स्वतंत्र घोषित करके एक देश बना सकते हैं। जैसे मान लो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के अगर पब्लिक बोलेंगे नहीं हमको अमेरिका में नहीं रहना है, नहीं रहना है मतलब वोटिंग सिस्टम होगा, अब वोटिंग में मान लो ज्यादा वोट किसके फेवर में पड़ गया, उन पब्लिक के फेवर में, तो वो अलग क्या बन जाए? देश। तो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स है। लेकिन भारत क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। इसका अर्थ ये है कि भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके कोई भी राज्य, 28 और 8 कितना होता है? 36। तो भारत में ओवरऑल 36 राज्य है। भारत के 36 राज्य कभी भी एक दूसरे मतलब अलग होकर एक देश घोषित नहीं सकते। जैसे हमको छत्तीसगढ़ को लगा एक देश बनाया है तो ऐसा हम नहीं कर सकते, न्याय। तो यहां पर ओवरऑल भारत के हम 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। आया। तो ये है आर्टिकल वन, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान रखिएगा, आज हम सिर्फ आर्टिकल को याद कर रहे हैं, अगली क्लास में इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मोटा मोटी दिमाग में ये बात बैठाना है कि भाई भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी को ही समझाया गया है कि भारत जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 36 राज्यों का एक संघ है। आया। yes, समूह है, नहीं आया? चलो बोल आर्टिकल, ऐसे बोलना है अनुच्छेद ए, ऐसे बोलना है भाग ए, संघ एवं उसका क्षेत्र।
संघ एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद एक से चार, अनुच्छेद एक इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। खड़े होकर बोल रहे क्षेत्रफल क्षेत्र, तू मेरे को देख, आज से तू मेरे को देखेगी, मैं तेरे को देखूंगा। कैसे यार, बोर्ड में नहीं देखना है, वो तो तुम्हारे दिमाग में बैठा चुका हूं। अनुच्छेद इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक शब्द, मेरे को नहीं देखेंगे, इग्नोर मार। भाग एक संघ एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद एक से चार। अनुच्छेद एक में भारत, इंडिया और भारत राज्य का एक शब्द, और इंडिया अर्थात, इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ। पार्ट वन यूनियनाइज्ड टेरिटरीज आर्टिकल 1-4। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वेरी नाइस। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 द यूनियनाइज्ड टेरिटरीज आर्टिकल 1-4 आर्टिकल 1 इंडिया और दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 2 अगला है, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 है नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा, विदेशी भूमि के द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा, भूमि अधिग्रहण के द्वारा। अनुच्छेद 2 है नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा। एक्चुअल में यहां पर आर्टिकल ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट किया है। क्या लिखा है वो समझते हैं, नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का अधिकार संसद का होगा। किसका होगा? संसद का होगा। नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का अधिकार संसद का होगा। पहले मैं इसका इंग्लिश लिख देता हूं और उसके बाद इसको हम थोड़ा समझाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय फॉरेन लैंड और लैंड एक्विजिशन। What is actually mentioned in Article 2 is नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का अधिकार संसद का होगा। द पार्लियामेंट विल हैव द राइट टू प्रवेश टू एंटर एंड एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। इसका मीनिंग समझते हो, समझिएगा। और गया हैप्पी दिवाली। अब तू तो ऐसे चुप रहा है जैसे कि तू
मेरा बेटा कल मेरा बेटा क्या कर रहा था, क्या तो किया था मैं, कुछ कांड किया था मेरे को छुपना पड़ रहा था, कुछ मैं किया था मेरे को याद नहीं आ रहा है। आजकल बुढ़ापा है ना तो सारा मैं भूल जाता हूँ। सर बुढ़ापा नहीं बोलना है, मैं बूढ़ा नहीं, मैं भयंकर जवान हूँ। तो कल क्या हुआ कि ना मैं कुछ तो मैं किया तो मेरी बीवी को ठास रही थी, ठीक। तो मेरा बेटा बोलते पापा 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 मम्मी ना अभी उधर गई है, आप छुप जाओ, मम्मी इधर गई है और आप छुप जाओ। तो वो ऐसे खड़ा हो गया और अपने पीछे मेरे को छुपा लिया, नहीं आया पापा छुपे रहो, मम्मी नहीं देख पाएगी आपको ऐसा। तो मैं छुपा, मैं भी छुप गया था, हाँ बेटा मैं छुप जाता हूँ। तो मैं कल उसके पीछे ऐसे बैठ के छुप गया था, वैसे ये छुप रहा है बताओ, तू तो दूर से भीड़ से दिखाई देगा कि पंडित आ गया। ये वाला फैन ऑन मत करो, रहने दो इधर देखो, मड़ इधर जाते कंसंट्रेट यहां करो। नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा, शब्द को बैठाओ, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट बाय फॉरेन लैंड एक्विजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल इज, लुक एट हियर। नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, पुदुचेरी, सिक्किम, इसकी कहानी को हम समझते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पुदुचेरी, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, सिक्किम हमारे पास नहीं था। सिक्किम तो अपने आप में एक स्वतंत्र देश था, क्या था वो, देश था, आया समझ। चाइना और इंडिया के बीच एक देश था, क्या, सिक्किम, जैसे नेपाल भूटान है वैसे सिक्किम भी एक देश था। और पुदुचेरी तो लैंड स्पेस था किसका, फ्रांस का, किसका था, फ्रांस का, मतलब फ्रांस की कॉलोनीज यहां थी। और आपका गोवा, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली में पुर्तगाली लोग थे, पोर्चुगल लोग थे, पोर्चुगल लोग की यहाँ कॉलोनीज थी। तो भारत सरकार बोली कि देखो बेटा तुम लोग ना कहाँ पोर्चुगल लोग यहाँ पर रहोगे, इसमें भारत में मिला दो, भारत में मिला दो। वैसे भी भारत का द्वीप बहुत बड़ा है, किसी को भी समा सकता है। और हम जिसको भी गले लगाते हैं ऐसे नहीं कि हम उसको लूटते हैं, लूटते खसोटते नहीं है, हम उसको दिल से गले लगाते हैं और लास्ट तक उसका भी हेल्प करते हैं, कैसे यार, अपने भाई की तरह। लेकिन पोर्चुगल लोग नहीं समझे तो हमने क्या भेज दिया, सेना, क्या भेजा, सेना। तो गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली सैन्य कार्यवाही के तहत भारत में आए। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 की स्थिति में, उस समय गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, तुम्हारा पुदुचेरी और तुम्हारा एक सिक्किम भारत में नहीं थे। तो हमने पहले से संविधान में लिखा है, पहले से लिखा है कि अगर कोई विदेशी भूमि भारत में समाहित होगी तो उसे हम क्या बना देंगे, भारत का एक राज्य, क्या बना देंगे, भारत का एक राज्य, आया समझ। तो देखो मान लो भारत का क्षेत्रफल 100 है, उसमें एक नया राज्य जुड़ेगा जिसका क्षेत्रफल है 10, मोटा मोटी समझो, तो भारत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 110 बढ़ेगा। इसका मतलब अगर विदेशी भूमि के द्वारा भारत में कोई नया राज्य बनता है, वो नया राज्य या तो राज्य बने या केंद्र शासित प्रदेश बने, दोनों का मतलब राज्य है। तो अगर कोई विदेशी भूमि के द्वारा भारत में कोई नया राज्य बनाया जाता है, राज्य मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो ये होगा अनुच्छेद 2 के तहत। आज याद रख लो कि कोई भी विदेशी भूमि भारत में समाहित हो गई और एक नया राज्य बनेगा तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। और चूंकि आपके दिमाग में बैठ गया सर क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा, भारत का क्षेत्रफल एक्जिस्टिंग क्षेत्रफल से बढ़ जाएगा, अर्थात भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो याद रखना कभी भी कोई विदेशी भूमि अनुच्छेद 2 के तहत या आर्टिकल 2 के तहत भारत में समाहित होकर एक नया राज्य जब भी बनती है तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा अनुच्छेद 2 के तहत।
इसमें हमें भारत के संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आया? यस सर। समझ आया? यस सर। फिर से सुनो, अनुच्छेद 2, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा। तो विदेशी भूमि को हमको क्या करना पड़ेगा, भूमि अधिग्रहण, अपने आप में समाहित करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज भूमि अधिग्रहण। आप यहां के देखो, हम भारतीय हैं, क्या हो मैडम आप? भारतीय। काश आप ब्रिटिश होते, बस एक ही डिफरेंस आता, गोरी तो मैडम इतनी रहती, क्योंकि इतने ही ब्रिटिशर्स गोरे होते हैं, बस बाल भूरा पूरा हो जाता है। हो रहा है वाइट सर। मेहंदी लगाओ, मेहंदी, कोशिश करो कि माता रानी की कृपा से आपका बाल जल्दी पक जाए, और क्या लगाना पड़े, मेहंदी, तो ब्रिटिशर्स दिखोगे। क्या दिखोगे? टेक इट पॉजिटिव, एवरीथिंग, कोई भी चीज को पॉजिटिव लेना सीख जाओ। सही है। आया? देखो, बाल झड़ रहे हैं, इस दिमाग में कोई स्ट्रेस है क्या? अरे ये मेरे हाथ में है क्या, बताओ, ये मेरे हाथ में है क्या, है क्या? क्या भाई है? ये तो मेरे को पता भी नहीं था कि बाल झड़ रहे, कोई मेरे को ध्यान दिलाया, बताओ यार, सब मोह माया है, सब मिट्टी है, ये क्या है? मिट्टी तो है। हम पांच चीजों से बने हैं, भूमि मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अग्नि और आकाश। हमारी सोच कहां तक जाती है? अनंत तक। कहां तक? अनंत। आया समझ? आकाश। तो नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा, मतलब भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो जैसे आप भारतीय हो, आप इस देश के नागरिक हो, अर्थात आपको इस देश का, भारत के संविधान के द्वारा आपको प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार, आपको प्रदान किया गया है राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, हर प्रकार के आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो आप भारतीय नागरिक हो गए। लेकिन मान लो सिक्किम एक देश था, और सिक्किम को 1974 में भारत का एक कनेक्टिंग स्टेट बनाया गया। क्या बनाया गया? कनेक्टिंग स्टेट बनाया गया। और 1935 में और 1935 में और 1936 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, एक साल बाद। संबद्ध राज्य, पहले संबद्ध राज्य थे, कनेक्टिंग स्टेट था सिक्किम 1935 में। 74वां संविधान संशोधन 1935 के तहत सिक्किम को बनाया गया भारत का एक संबद्ध राज्य, कनेक्टिंग स्टेट। और एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत उसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आया? तो सिक्किम के जो लोग हैं वो एक देश था, अब वो सिक्किम कहां आके जुड़ गया? भारत में, भारत एक राज्य बन गया, तो वहां के लोगों को नागरिकता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट वहां के लोग भारतीय कहलाएंगे। ये नहीं कि उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लो भैया भारतीय हो। हाँ, हालांकि आधार कार्ड बनेगा, मैं समझ, उस समय तो आधार कार्ड का कंसेप्ट ही नहीं था, कैसे? वोटर आईडी, तो कहां की? कहां की? भारतीय तो है ये लड़की को बीच में पानी पिलाना, क्या पिलाना? पानी, और सोएगी तो चाय पिलाना। तो नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा, समझ आया? या भूमि अधिग्रहण के द्वारा, समझ आया? कभी भी याद रखो, कोई भी विदेशी भूमि, जैसे कि आपका दादर नगर हवेली, 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को सैन्य कार्रवाई के द्वारा पोर्चुगल से हम छीने और भारत में जोड़ दिए, और इसे बनाए केंद्र शासित प्रदेश। एक साल बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत दमन एंड दीव तथा गोवा को पोर्चुगल से छीना गया और भारत के केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हालांकि 1962 की स्थिति में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो वर्तमान में गोवा क्या है? स्टेट है। और इसी साल 1962 में 14th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के तहत भारत और फ्रांस के बीच एक अग्रीमेंट होता है, भारत फ्रांस लैंड एक्विजिशन एग्रीमेंट, जिसके तहत फ्रांसीसियों से बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हमें प्राप्त होता है पुदुचेरी, माहे जो कि केरल से संबंधित है, यनम जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, पुदुचेरी कराईकल जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। बाय डिफॉल्ट दीज आर नोन एज पुदुचेरी।
ओल्ड नेम ऑफ पुदुचेरी वॉज पांडिचेरी। आया समझ? तो आप पढ़िए इसको क्या लिखा है। नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा। तो दिमाग में एक बात बैठ गया होगा। अच्छा, सिक्किम का बता दिया हूं कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत ये भारत का एक संबद्ध राज्य बना। एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, मैं आपको संशोधन बता रहा हूं, अर्थात कोई भी विदेशी भूमि भारत में आके जुड़ेगी तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। और इस प्रकार से हमें भारत के संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 2 से जो भी राज्य बनता है उसमें संशोधन करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा, ये मेरे शब्द है। एक्चुअल में व्हाट इज एक्चुअली मेंशन इन आर्टिकल 2 इज व्हाट, नए राज्य का प्रवेश, क्योंकि विदेशी भूमि क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। नहीं आया? प्रवेश हो रहा है। तो नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का अधिकार किसका होगा, संसद का होगा। किसका होगा? संसद का होगा। अब अच्छे से दिमाग दौड़ाइए, व्हाट विल द प्रोसीजर टू एंटरिंग अ स्टेट फ्रॉम फॉरेन लैंड। अब एक बात समझिए कैसे है। यार एक बात बताओ, सिक्किम को दिमाग में बैठाओ, या एक काम करो, सिक्किम को नहीं, गोवा को दिमाग में बैठाओ। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। दिमाग में आराम से पिक्चर को बैठाना, भारत दिख रहा है। अब ये सोचो, गोवा हमारा है ही नहीं, गोवा हमारा है ही नहीं। हमने सैन्य कार्यवाही किया और वहां पर हमने अपना कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने से काम नहीं चलेगा, कब्जा करने के बाद तुरंत हम संविधान में संशोधन करेंगे और गोवा को लिखित रूप से हम अपने में समाहित करेंगे। तो कहां चेंज करना पड़ेगा, संविधान में। अब क्या होगा, जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, आया समझ, अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। तो जैसे मान लो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय उसके लिए एक मसौदा तैयार करेगा कि भैया गोवा का इतना एरिया है, गोवा इन इन राज्यों को टच करता है, गोवा का एक एरिया अरब सागर को टच करता है, ये जो लैंड है ये क्या है, गोवा है। इस मसौदे को वो भेजेगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अगर उसमें अपनी स्वीकृति देगा तो ये फिर किसके पास आएगा, गृह मंत्रालय में, कि हाँ हाँ तुमने जो काम किया बेटा बहुत सही किया है। अब गृह मंत्रालय को जब ओके हरी झंडी कैबिनेट का मिल जाएगा कि हाँ भैया, और राष्ट्रपति का मिल जाएगा कि अरे तुमने काम तो बहुत बढ़िया किया बाबू, यार काम बहुत चौकेदार हुआ है। तो जब काम बढ़िया हुआ है तो अब इस मसौदे को विधेयक में कन्वर्ट किया जाएगा, बिल में कन्वर्ट किया जाएगा, और बिल को पेश किया जाएगा कहां, लोकसभा में। कहां? लोकसभा में। आया समझ? कि हम लिखेंगे गोवा राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक। लोकसभा में पेश हुआ, ये जाएगा राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, और यही विधेयक या बिल जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्ट। आया? तो दिस इज द प्रोसीजर टू एंटरिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया अंडर आर्टिकल 2। आया? और जिस संशोधन के तहत वो होगा, जैसे कि गोवा किसके थ्रू हुआ था, 12वां संविधान संशोधन 1962, तो उसके तहत भारत के संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। यही प्रोसीजर कहां लिखा गया है, अनुच्छेद 4 में। कहां? अनुच्छेद 4 में, कि नए राज्य निर्माण का प्रोसीजर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य बनाने की प्रक्रिया, कहां लिखा है, अनुच्छेद 4, जिसको मैंने अभी से एडवांस में समझा दिया। नहीं आया? देखो, कोई भी चीज को ना भूला मत, ना भूलने का तरीका है मोटा मोटी पकड़ना है, गृह मंत्री राष्ट्रपति पकड़ लूं। अब दिमाग लगाओ, जैसे कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कंफ्यूज क्यों होते हैं पता है, आपने उसको समझा लेकिन विजुलाइज नहीं किया। अब विजुलाइज करो, अरे भैया गोवा है, गोवा हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमने सैन्य कार्रवाई से कब्जा कर दिया, हमारी सेना वहां पहुंच गई उस लैंड में। आया? अब सेना हमारी पहुंच गई है, लेकिन वो भारत का हिस्सा ही नहीं था। अब सेना हमारी पहुंच गई, अब उसको हमको भारत में मिलाना है, तो राष्ट्रपति आएगा, कौन आएगा, अरे बाबू ये तो हमारा एरिया हो जाएगा यार, लेकिन इसको संविधान में फटाफट लिखो। आया समझ? तो गृह मंत्री को बुलाएगा, एक काम करो, इसका मसौदा तैयार करो, क्या करो,
मंत्रिमंडल की एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसी की एक टीम बनाएंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और वो टीम बना उसका क्या करेगी, एरिया घेरवाएगी, लैंड इतना है इतना एरिया है, और इस मसौदे को फिर से किसको दिखाया जाएगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देखेगा हाँ बाबू सब ओके है, ओके है तो कहाँ फिर दे देगा गृह मंत्री को, गृह मंत्री उसको जाके लोकसभा में पेश करेगा बिल को, लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा, राज्यसभा से पास हुआ तो राष्ट्रपति, अरे बेटा हम जो भेजे तो फिर से वापस आ गया, लेकिन अभी सर्वसम्मति से आया, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, मतलब भारतीयों के समर्थन से आया है भाई, लोकसभा राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय जनता का, तन से सिग्नेचर मारेगा हाँ ओके डन, अब वहां के नागरिक स्वतः क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक। अब पोर्चुगल नहीं कहलाओगे बेटा तुम, पोर्चुगल बोलो लेकिन कहलाओगे क्या, इंडियन। आया इतना आया समझ? Yes, sir. तो दिस प्रोसीजर मेंशन्ड इन आर्टिकल 4 आया? Yes, sir. अब देखो इसमें क्या लिखा है, नए राज्य का प्रवेश, प्रवेश हो रहा है ना, वह स्थापना का अधिकार किसका है, संसद। समझा दिया? Yes, समझ आया? इसी को इंग्लिश में लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय फॉरेन लैंड और लैंड एक्विजिशन, द पार्लियामेंट विल हैव राइट टू एंटर एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। ठीक, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल, इसको थोड़ा एक दो बंदा बोल लो, चलो मैडम बोलो दोनों आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू 4, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 2 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स दैट इज बाई फॉरन लैंड और लैंड एक्विजिशन, इसका एक्चुअल आर्टिकल इज द पार्लियामेंट शैल हैव द राइट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड एंटर द न्यू स्टेट। वेरी नाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कर रहा है उसको, पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 2 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय फॉरेन लैंड और लैंड एक्विजिशन, द पार्लियामेंट विल हैव द राइट टू एंटर और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। पानी पिलाओ ना। भाग 1 संघ एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, विदेशी भूमि अथवा अधिग्रहण। तू क्यों नहीं बोलेगा? अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, दूसरा नए राज्य का निर्माण, विदेशी भूमि का अधिग्रहण, भूमि का विदेशी भूमि का या भूमि का अधिग्रहण करके नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद का होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा, स्वदेशी भूमि के द्वारा या राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। व्हाट इज एक्चुअली मेंशन इन आर्टिकल 2 इज नए राज्य की स्थापना, स्थापना बोलो या निर्माण बोलो एक ही मतलब है, नए राज्य की स्थापना व एग्जिस्टिंग स्टेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, नए राज्य की स्थापना व वर्तमान राज्य व वर्तमान राज्य का क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, सीमा मतलब बाउंड्री व नाम में परिवर्तन का अधिकार, में परिवर्तन का अधिकार संसद का होगा। ये यहां आ रहे हैं कि नहीं बोर्ड इसमें आ रहे हैं, ले लेना चाहिए का अधिकार संसद का होगा। ये अभी रियर कैमरा से बनाते तो मैं है ना तुम लोग से पूछता और तुम लोग सही बताते हैं गलत, कुछ भरोसा
नहीं है। देखो अनुच्छेद 3 क्या लिखा है, इसका पहले मैं इंग्लिश लिख देता हूं फिर समझाता हूं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाई इंडिजिनस लैंड और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जड़ाता है ना एक्ट, ठीक। द पार्लियामेंट विल हैव द राइट, द पार्लियामेंट विल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट और चेंजिंग व्हाट चेंजिंग क्षेत्र एरिया बाउंड्रीज एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। हो गया दादा, समझते हैं इसका मोटा मोटी बात क्या है। कहीं दूर मत जाओ, अपने छत्तीसगढ़ जाओ, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000। पहले ये मध्य प्रदेश था, पहले ये क्या था, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से, रीस्टैब्लिशमेंट से वी गॉट अ न्यू स्टेट छत्तीसगढ़। अब एक बात समझो, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, पहले ये तो था मध्य प्रदेश। मान लो इंडिया का क्षेत्रफल 100 है, जिसमें से एक राज्य है मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, उसके में से छत्तीसगढ़ था ही नहीं। क्या मध्य प्रदेश को काट कर विभाजित करके इस्टाब्लिश कर, रीस्टाब्लिश करके एक नया राज्य अगर हम बनाते हैं छत्तीसगढ़, तो क्या भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो याद रखो, जब किसी राज्य का निर्माण अपने ही भूमि से किया जाए, अरे ये भी तो छत्तीसगढ़ तो पहले से हमारी भूमि है ना यार, नहीं है, है ना। तो जब भी नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा किया जाए, देखिए मैं एग्जैक्ट वर्ड क्यों लिख रहा हूं संविधान का, उसका कारण ये है कि मैं प्रीलिम्स की अकेले बैच नहीं ले रहा हूं भैया। आपको एग्जैक्ट वर्ड याद रहेगा तब एग्जैक्ट वर्ड मेंस में लिखोगे, नहीं आया तो शब्द वही आपके दिमाग में बैठाया जा रहा जो एक्चुअल है, ताकि आप मेंस में भी उसी प्रकार से परफॉर्म करो, है ना। तो देखिए, पहले ये मध्य प्रदेश था, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश को एक काट कर विभाजित करके या रीस्टैब्लिश करके एक नया राज्य हमने छत्तीसगढ़ बनाया, ये पहले से ही भारत की भूमि है, स्वदेशी भूमि है। तो यहां पर मध्य प्रदेश से जब काट कर एक नया राज्य बना रहे हो, अर्थात किसी एक राज्य को काट कर एक नया राज्य बना रहे हो, तो यह बनेगा अनुच्छेद 3 के तहत, और इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आया समझ? अरे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो क्या किया जाए? प्रोसीजर समझो, अच्छे से प्रोसीजर समझो। ये तो समझ में आ गया ना, नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा, लेकिन इसको समझा दो ये है क्या, समझो। एग्जाम्पल भी समझ गए, मध्य प्रदेश से क्या बना छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से क्या बना तेलंगाना, पंजाब से क्या बना हरियाणा, उत्तर प्रदेश से क्या बना उत्तराखंड जो उस समय उत्तरांचल था, बिहार से क्या बना झारखंड। ऐसे जो नए नए राज्य बने हैं किसी एक राज्य को एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़कर, इसलिए बनते हैं अनुच्छेद 3 के अंदर। मतलब ये हमारी भूमि है यार, विदेशों में लफड़ा नहीं है, भारत के क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं होगी। आया? अब सुनो अच्छे से कहानी यार। मान लो मध्य प्रदेश है अभी, और मध्य प्रदेश से एक नए राज्य बनाने की मांग हो रही है, तो कहां होगी? मध्य प्रदेश विधानसभा में। यस सर। हैं? यस।
हमारे नेता तो वही, हमारे विधायक तो वही जाके बैठेंगे ना, भोपाल है उस समय विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, अभी छत्तीसगढ़ तो है ही नहीं। तो दिमाग में बैठाओ क्या हुआ कहानी, केंद्र सरकार डायरेक्ट तो नहीं हो करेगी काम, यहां मांग उठेगा, जनता का मांग उठेगा, तब तो केंद्र सरकार कोई काम करेगी। तो क्या होता है समझो, छत्तीसगढ़ राज्य, एक नए राज्य छत्तीसगढ़ की जब मांग की जाएगी, कहां की जाएगी, मध्य प्रदेश विधानसभा में, और मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बिल लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? बिल लाया जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन बिल, बिल अधिनियम नहीं बोलेंगे, बिल विधेयक, और वो विधानसभा से, मध्य प्रदेश के विधानसभा से पारित हो जाएगा। क्या होगा? पारित होगा, और राज्यपाल भी साइन कर देगा कि ठीक है भाई तुम लोग सही काम कर रहे हो। अब ये मसौदा कहां जाएगा? गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति के पास एक्चुअल में जाएगा। राज्यपाल किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति इसको देगा, देगा किसको? गृह मंत्रालय को। देखो बाबू ये तो तुम्हारा क्षेत्र है यार, तुम्हारा विषय है, राज्य बनाने का विषय किसी राज्य के पास नहीं है, ये बनाएगा केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार का विषय है। ऐसा थोड़ी कि ममता बनर्जी को लगा कि चलो बंगाल को दो भाग में तोड़ दो तो तोड़ दिए, ब्लैक है, केंद्र सरकार का विषय है। किसका है? केंद्र सरकार। जैसे ममता बनर्जी क्या चाहती है कि वेस्ट बंगाल का नाम क्या किया जाए? बंगाल किया जाए। वेस्ट डब्ल्यू लिखने के कारण ना कोई भी मीटिंग में, राज्यों की मीटिंग होती ना, तो साला मेरा नंबर कब आता है? थक जाती हूँ यार, बुढ़ा गई है ना, तो थक जाती हूँ। तो वो चाहती कि वेस्ट बंगाल का नाम क्या किया जाए? बंगाल किया जाए। तो ये थोड़ी ममता बनर्जी चाहिए और हो गया। अरे कौन करेगा? गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार, जिसका गृह मंत्रालय है। हाँ, ममता बनर्जी अपने राज्य के अंदर जो जिले है, कोई सिटी है, उसका नाम कुछ भी चेंज कर सकती है, उसका विषय। तो दिमाग में बैठाओ कि यहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा है, यहां से विधेयक पास हुआ, लेकिन इसका मसौदा तैयार हुआ और ये कहां गया? गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसको दे देगा, देखो बाबू गृह मंत्रालय तुम समझो बेटा, केंद्रीय गृह मंत्रालय को समझा कि हाँ यार ये मांग क्या है, जेन्युइन है। और उस समय बैठे हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हम देंगे एक नया राज्य छत्तीसगढ़, आया समझ? तो नया राज्य बनाएंगे क्या? छत्तीसगढ़। अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि ठीक है बनाएंगे, डन। मसौदा एक्चुअल में कहां से आया है? राज्य से, राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से आया है, विधानसभा से पारित होकर आया है मसौदा। गृह मंत्रालय से विवेचना कर रहा है कि ठीक है बेटा चलिए, लेकिन बाउंड्री कौन बनाएगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय फिर से एक टीम बनाएगी मंत्रियों की, और उसके अंदर एक टीम में वो लोग क्या करेंगे, बाउंड्री खींचेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच, कि इतना एरिया मध्य प्रदेश का होगा, इतना एरिया छत्तीसगढ़ का होगा। आया? तो क्षेत्रफल निर्धारित करेगी, उसका बाउंड्री बनाएगी, फिर देखिए छत्तीसगढ़ कितने कितने राज्य को टच कर रहा है। ये कौन बनाएगा? विधेयक, गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय पेश करेगा कहां? लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन जाएगा। आया? लेकिन फिर भी क्या होता है, इस बीच में एक ट्विस्ट आता है, समझो। मध्य प्रदेश विधानसभा से मसौदा कहां गया? गृह मंत्रालय, पहले राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसको दे देगा? गृह मंत्रालय को। और फिर गृह मंत्रालय उसमें तीन पांच करेगी, छत्तीसगढ़ राज्य का एरिया डिसाइड करेगी, उसका बाउंड्री डिसाइड करेगी, और फिर से किसको देता है? राष्ट्रपति को, कि देखिए साहब हमने तो कर दिया, अब इसको आप एक बार निरीक्षण कर लो। तो राष्ट्रपति इसको फिर से भेजता है कहां पर? मध्य प्रदेश विधानसभा में, कि देख लो तुम लोग जो मसौदा भेजे थे, तुम्हारी जो जो डिमांड थी, तुम्हारी जो जो डिमांड थी, उसको अनुरूप गृह मंत्रालय क्या क्या किया है, एक ढांचा तैयार किया है कि ये होगा छत्तीसगढ़, उसमें इतने जिले होंगे, ये बाउंड्री होगा, ये एरिया होगा। तो मध्य प्रदेश में आएगा विधानसभा में, यहाँ के मंत्री देखेंगे, यहाँ का विधानसभा देखेगा, हाँ यार हमने जितना मांग किया था वैसा है, लेकिन बाबू इसमें ये नहीं है यार, अमरकंटक नहीं है। हम चाहते कि अमरकंटक को भी कहाँ मिला दिया जाए, अनूपपुर को कहाँ मिला दिया जाए, छत्तीसगढ़ में, है ना, हमारी संस्कृति क्या है वहीं से जुड़ी हुई है। ये काम करो त्रिपुरी जबलपुर को भी कहाँ मिला दो, छत्तीसगढ़, क्योंकि हमारा कल्चुरी मंच वहीं से चालू हुआ था, तो ये काम करो इसको मिला दो। तो ये लोग बोले कि साहब आपने जो दिया है ना वो माउंट ब्लोइंग है, लेकिन हमारी डिमांड ये फलाना ठिकाना की है। तो ये लोग अपनी डिमांड को भी दे दिए, किसको? राष्ट्रपति को।
राष्ट्रपति बोले कि ठीक है मैं तो देख लिया तुम्हारी डिमांड, फिर से गृह मंत्रालय को देगा कि देखो इनका डिमांड तुम पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। गृह मंत्रालय बोला बेटा मैं नहीं करूंगा, मतलब गृह मंत्रालय उसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए उसके पास मसौदा भेजा जाता है कि ऐसा राज्य तुम्हारा तैयार हो रहा है, तुम्हारी इसमें पूर्णता सम्मति है कि नहीं, पूर्णता सम्मति हो या ना हो ये केंद्र सरकार का विषय है। तो गृह मंत्रालय बोलेगा कि ठीक है हम चेंज कर देते हैं, अरे ठीक है चेंज नहीं करते हैं, वो किसका विषय है? केंद्र सरकार का। तो चेंज किया मांग को या नहीं किया, लोकसभा पेश होगा, राज्यसभा पेश होगा, पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया, सिग्नेचर हुआ, कहानी खत्म, एक नया राज्य बन गया। दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 4। तो याद रखो आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो राज्य बनेगा उसका प्रोसीजर मेंशन है। तो प्रोसीजर को भी मैंने समझा दिया, तो हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आर्टिकल 4। आया क्या बोल रहा हूं? सर एक खुशखबरी है, मैं ना खुशखबरी जल्दी नहीं देता, कुछ खास खुशखबरी है। अच्छा तुम लोग तो ऐसे हो कि मेरे को ना चाय भी नहीं पिलाते, जो स्टूडेंट मेरे को चाय पिलाया है वो बन गया है DSP, कॉफी पिलाई, वो बन गया है डिप्टी कलेक्टर, वो बन गया है इनकम टैक्स ऑफिसर, GST नाम ही लूंगा क्योंकि उस सिलेक्शन के बाद कभी मेरे को अपना शकल नहीं दिखाया। तो वो बच्चे जो चाय पिलाए है ना उस सिलेक्शन ले लिए, और जिनको मैं जान ही नहीं पाया, जैसे बच्चे का भीड़ रहता था 250 बच्चे का बैच रहता था, तो उसमें हम उसी को जान पाए ना कि जो चाय पिलाया हमसे आके बातचीत किया उसी को जान पाए, और जो चाय नहीं पिलाया वो अटवारी पटवारी बन के घूम रहे होंगे आपको पता नहीं चलेगा। कई बार जैसे बच्चे मिल जाते तो सर मैं पटवारी बन गया हूँ, तो अच्छा पटवारी बन गए हो तो है ना, लेकिन वो चाय नहीं पिलाया। तो देख लो अगर डिप्टी कलेक्टर DSP इस टाइप का पोस्ट चाहिए तो चाय यार 2 रुपये का तो चाय आता है यार, 5 रुपये नहीं गया। यहाँ देखो अच्छा इसको समझाओ पहले इसको समझ लो, इसको पहले समझ लो क्या लिखा है, नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा, इसमें आया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, अरे हमारी तो भूमि थी यार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। इसका मतलब छत्तीसगढ़ कौन से एक्ट से बना है? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आया झारखंड बना किससे? बिहार से। तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। उत्तरांचल जो आज उत्तराखंड है वो किससे बना? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। आंध्र प्रदेश से क्या बना? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014। आया है? जैसे कि पंजाब से क्या बना? हरियाणा। तो पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 बनेगा। यही चीज मैंने यहां लिखा है, नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। इसमें एक्चुअली व्हाट इज द मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 3, नए राज्य की स्थापना, स्थापना प्रवेश हो रहा है कि स्थापना हो रहा है? स्थापना। वह वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद का होगा। अब एक बात समझो, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, देखो वैसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, ऑल ऑफ यू आर मैच्योर पर्सन, बीच में जा सकते हो, माता पिता का फोन एक्सेप्ट कर सकते हो, गर्लफ्रेंड का नहीं करना है। उसको बता दो कि बेटा अब हम तैयारी में लग गए हैं। किसमें लग गए हैं? तैयारी में। देखो गर्लफ्रेंड भी तभी रहेगी जब तुमको पोस्ट मिलेगा, अब पोस्ट नहीं मिलेगा वो वैसे भी कहीं ना और सेट हो जाएगी, इसी के बाद वो सेटल बंदा को खोजेगी। किसको खोजेगी? सेटल बंदा को जो बन चुका है डिप्टी कलेक्टर। अब तुम बन रहे हो, कब बनोगे नहीं बनोगे कोई फिक्स नहीं। जैसे देखो कई बार क्या होता है, मूवी है ना सर, शादी में जरूर आना है, इसी बेस पे मूवी बनी। हाँ। अभी आ रही है पिक्चर, कई तो देखो इधर, नए राज्य की स्थापना वो वर्तमान राज्य की क्षेत्र, इसको समझाता हूँ, वर्तमान राज्य का क्षेत्र, जैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 135 वर्ग किलोमीटर। अब छत्तीसगढ़ सरकार की मांग है, हमारे मध्य प्रदेश के साथ अच्छे संबंध है, तो हमारे आपसी सहमति से बोले, छत्तीसगढ़ सरकार बोली, दोनों जगह मान लो बीजेपी आ गई, अब बीजेपी चाहती कि भाई छत्तीसगढ़ को किसको दे दो या कांग्रेस, दोनों जगह है,
तो और सेंटर में भी कौन है? कांग्रेस। और दोनों जगह यहाँ पर बीजेपी, और सेंटर में भी कौन है? बीजेपी। तो हम हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बाजू वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोले कि अरे यार अनूपपुर अमरकंटक हम लोग को दे दो, न्याय समझ हम लोग को दे दो। बोले कि चल यार भाई तू भी क्या नाम लेगा, दे देते दे। तो देगा तो ऐसा थोड़ी दे देगा, आज बोला और कल दे दिया। अरे भैया कौन देगा? केंद्र सरकार। तो क्षेत्र क्या होगा? चेंज होगा। दोनों की सहमति हो गई तो केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय में इस बात को हमें उठाया, वो भी बोलेगा चलो बेटा ठीक है। तो गृह मंत्रालय इस मसौदे को पेश करेगा विधेयक के रूप में लोकसभा राज्यसभा, ऐसे नहीं थोड़ी कि ताली बजाए हो गया, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो मध्य प्रदेश का एरिया कम होगा और छत्तीसगढ़ का एरिया बढ़ेगा, बाउंड्रीज चेंज होगा, बाउंड्री चेंज होगा। नहीं आया? तो क्षेत्र भी चेंज होगा और सीमा भी चेंज होगा। अब नाम में परिवर्तन, मान लो छत्तीसगढ़ का नाम चेंज करना है तो चेंज हमारी सरकार करेगी? नहीं, केंद्र सरकार। नहीं आया समझ? जैसे पांडिचेरी का नाम क्या हो गया? पुदुचेरी। कौन करेगा? केंद्र सरकार। 2006 में उत्तरांचल का नाम हो गया उत्तराखंड, पांडिचेरी का नाम हो गया पुदुचेरी। कौन किया? केंद्र सरकार। आया? क्योंकि संसद का विषय है। किसका विषय है? संसद का। 2011 में उड़ीसा का नाम क्या हो गया? ओडिशा। ओडिशा क्या हो गया? ओडिशा। 2011 में कौन किया? संसद। ठीक। जैसे कि मान लो आपका इधर इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ, जैसे कि मैसूर, कर्नाटक का पहले नाम क्या था? मैसूर। 1956 में जब इस राज्य का गठन हुआ था तो इसका नाम था मैसूर। 1973 में मैसूर का नाम क्या हो गया? कर्नाटक। 1969 में मद्रास का नाम क्या हो गया? तमिलनाडु। तो ये सब नाम चेंज कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। आया? जैसे कि बेंगलुरु, बेंगलुरु का पहले नाम क्या था? बेंगलोर। बेंगलोर का नाम क्या हो गया? बेंगलुरु। ये कौन करेगा? केंद्र सरकार की राज्य सरकार? राज्य सरकार। ये तो जिला है, सिटी है यार, उसको थोड़ी करेगा केंद्र सरकार। आया? यस सर। समझ आया? यस सर। जैसे क्या होता है कि तुम लोग जैसे घर बनाते हो, घर घर बनाए और घर के बाहर लिखे हो मातृ कृपा, क्या नाम रखना है अपने घर का? नाम क्या रखना है? कुछ भी सर, जो भी हो सर। देखो आदमी गरीब हो अमीर हो वो हमेशा सपना देखता है बेटा घर बनाना है। क्या बनाना है? है? दिमाग में रहता है बड़ा सा बंगला होगा और बंगले का नाम कुछ रखना पड़ेगा, क्या रखेगा ना? जैसे मातृकुंज है, आशादीप, कुछ भी नाम रख दिया। मतलब ये टॉपिक लायक, हाँ, तो घर का नाम बड़े बुजुर्ग रखेंगे केंद्र सरकार। और घर के अंदर कमरा का नाम अपने अपने हिसाब से रख लो, कमरा का नाम अपने अपने हिसाब से रख लो, ये आपका विषय। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट? आर्टिकल चार, अनुच्छेद चार, नए राज्य बनाने की प्रक्रिया। क्या मैंने इसको समझा दिया है? यस सर। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद दो और तीन की प्रक्रिया को समझाया गया है। नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। आर्टिकल फोर, प्रोसीजर, प्रोसीजर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आया? इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में भाग एक के चार आर्टिकल को हमने याद किया है, और कल की क्लास में इन्हीं चार आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि काफी डिस्कस कर लिए, इसी को थोड़ा सा औपचारिक रूप से डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाग एक, पार्ट वन, संघ एवं उसका क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल वन, अनुच्छेद एक, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल वन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद दो, नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि के द्वारा या भूमि अधिग्रहण के द्वारा, नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का अधिकार संसद का होगा। किसका होगा? संसद का होगा। आया? फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल टू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय फॉरेन लैंड और लैंड एक्विजिशन। आया? द पार्लियामेंट विल हैव द राइट टू एंटर एंड एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट।
अनुच्छेद तीन, अनुच्छेद तीन क्या है? नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि के द्वारा या भूमि या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना व वर्तमान राज्य का क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद का होगा। द पार्लियामेंट विल हैव आर्टिकल थ्री, द पार्लियामेंट विल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट एंड चेंजिंग द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। दिस इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल फोर, नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया, द प्रोसीजर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल फोर इन आर्टिकल टू एंड आर्टिकल थ्री। ठीक, तो आज की क्लास को यही हम विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे इसी के डिटेल में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।